यह है पागल बाबा का मंदिर। ये माखन चोर माखन खाते हुए, ये मीरा भाई जी है कीर्तन में लीन, ये कान्हा जी बांसुरी बजा रहे हैं, मीरा भाई जी भक्ति में लीन है, कीर्तन कर रही है। ये अभिमन्यु का चक्र घेरा, अभिमन्यु ये महाभारत तो आपने देखी होगी, विष्णु पिता महा बाण सैया में लेटे हुए पूरे 18 दिन तक लेटे हुए थे। हाथ चल रहा है कृष्ण, ये वंशी लीला दर्शन श्री वंशी, ये राधा रानी आंख में चोली खेलते हुए, राधा रानी आंख में चोली खेलते खेलते ये चीरा रानी, सब गोपियां कृष्णा इनके सबके कपड़े चुरा लेते हैं। नहीं दिख रहा है उसको, ये नटकट कृष्णा नहीं दिख रहा है, ये भगवान राम द्वारा शिव का पूजन किया जाता है, ये जब सेतु टट जाते हैं संजीवनी मुनि ला रहे, ये हनुमान जी संजीवन बुद्धि लाते हैं, ये राम के प्रिय भक्त थे हनुमान जी, ये संत तुलसीदास जी चंदन किस्ती हुए जिन्होंने रामचरित मानस लिखी, ये नरसिंगा होता नरसिंह द्वारा हिरण्य कश्यप का वध, बाल कृष्ण माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखाते हुए, जब राम भगवान कावड़े द्वारा शिव का पूजन किया जाए, देखो वो एक जोड़ी खड़ी है, पागल बाबा का मंदिर है, ये जो पागल बाबा का मंदिर है उसका मुख्य मंदिर दर्शन, जब इसके फर्स्ट नींव रखी गई, ये बाबा जी द्वारा मनाया जा रहे होली उत्सव, कितने अच्छे से बना गया, पूरी प्रतिमाएं जीवंत हो उठी, माँ दुर्गा की दिव्य आरती करते हुए बाबा श्री नारायण सेवा करते हुए बाबा श्री,
बनाने इसमें कितना वो चलो जय श्री राम। गणपति जी शिव पार्वती गौरी गणेश ये शिव के अलग अलग रूप ये नंदी विष्णु के अवतार विष्णु के अवतार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री ओम माता पार्वती शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु राजा दशरथ के द्वारा भूलवश कुमार का वध भगवान राम का जन्मोत्सव विश्वामित्र आश्रम में श्री राम और लक्ष्मण गुरु सेवा करते हुए श्री राम सीता का स्वयंवर वनवास के लिए जाते हुए भगवान श्री राम अपने पिताजी से आज्ञा लेते हुए आशीर्वाद देते हुए सुपर्णा का जटायु के साथ रावण का युद्ध वो सीता माता को बचाने की कोशिश करता है तो रावण जटायु का युद्ध कर देता है। भगवान श्री राम के हाथों जटायु का उद्धार भगवान श्री राम के द्वारा बाली का वध नर और बलि अपने नाम सुना होगा माहेश्वर माता सबरी के झूठे बैल खाते उन्होंने उनको तृप्त किया था जब रावण ने अपने लंका में इसको किया था तो अशोक वाटिका में रखा था तो हनुमान जी उनको बता ले देखिए राम द्वारा रावण का वध क्योंकि रावण को वरदान था कि ना क्या कहते हो कभी मर नहीं सकता
वनवास का तो हो गया था ना, तीनों माताओं से आशीर्वाद बुढ़ी हो गई ना तो? नहीं, ये आशीर्वाद ले रहे ना, वनवास जा रहे ना, कहाँ बोले लक्ष्मण तीनों है ना, वो कौशल्या पार्वती है, बनाने आई थी ना आपस बुलाने के लिए, तब आई है, तब बुढ़ी हो गई थी ना, वो तीनों वो चले गए मर गया था। ये माता सीता के दोनों पुत्र थे राम भगवान के लवकुश, तो वाल्मीकि आश्रम में रहकर सीता माता ने उनको गुरु शिक्षा प्राप्त की। जब हनुमान जी से पूछा गया था कि तुम राम कितने, तो है ना वो पूरे अपने ना सीने को फाड़ते हो, अपना ना दिखाता है कि राम भगवान की फोटो नजर आती है उसमें। हे देखो राम भगवान पूछते हैं, सब पूछते हैं तुम कितने बड़े भक्त हो, तो वो दिखा के दिखाते हैं जय श्री राम। देखे कितने अच्छे से वर्णन किया गया यहाँ, कितने अच्छे से दिखाया गया। भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त थे, राम के हर उसमें हनुमान जी का जिक्र जरूर आता है।